डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता डस्ट ऑफ स्नो हमें उन छोटी चीज़ों की सराहना करना सिखाती है जिन्हें हम जीवन में महत्व नहीं देते हैं। कभी हमें दिखाता है कि छोटे और महत्वहीन कार्य भी हमारे मूड को ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं। चलिए कविता को पढ़ते हैं। द वे ए क्रॉ, मतलब जिस तरह एक कौवा, सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर झपटा। द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ की धूल, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। कवि एक सर्दियों के दिन के बारे में बात कर रहा है जब सभी पेड़ों की चोटी बर्फ के गुच्छों से ढकी हुई थी। कवि ऐसे ही एक बर्फ से ढके पेड़ के नीचे टहल रहा था। यह उत्तर अमेरिकी शंकु वृक्ष था जिसे हम हेमलॉक के नाम से जानते हैं। इसकी गंध यूरोपीय पौधे की गंध से मिलती जुलती है जिससे हेमलॉक के रूप में जाने वाला जहर बताया गया था। इसलिए अपने नाम के आधार पर यह पेड़ ऐसा नहीं था जिसे किसी भी सकारात्मक चीज़ से जोड़ा जा सके। हालांकि एक कौवा अचानक इस पेड़ पर चढ़ गया था जिसके कारण बर्फ के गुच्छे का ढेर बारिश की तरह कवि पर गिर पड़ा। बर्फ के टुकड़े इतने हल्के और सूक्ष्म थे कि कवि ने सोचा कि वे सफ़ेद और बेदाग हैं। हेमलॉक वृक्ष से हिमकणों की अबोछार स्पष्ट रूप से इस कविता का विषय है क्योंकि इसने कवि के अंतर्मन को छुआ है। हैज़ गिवन माई हर्ट, अपना दिल दे दिया। हैज़ गिवन माई हर्ट मतलब अपना दिल दे दिया है। ए चेंज ऑफ मूड मतलब मिजाज में बदलाव। एंड सेव्ड सम पार्ट एंड और कुछ हिस्सा बचा लिया। सेव्ड सम पार्ट मतलब हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा बचा लिया। ऑफ ए डे आई हैड रू, एक दिन में पछताया था। रू मतलब होता है पछतावा। वन डे मतलब एक दिन मैं पछताया था। कवि हमें ठीक ठीक समझाता है कि किस प्रकार हिमकणों की बौछार का उस पर प्रभाव पड़ा। उसका कहना है कि इससे उसका मिजाज बदल गया। इसका अर्थ यह है कि वह उदास था, उस पर गिरने वाले बर्फ के टुकड़े अचानक उसके दिल को खुश कर गए। कवि कहता है कि उसका यह दिन अच्छा नहीं था। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि उसका यह दिन बेकार चला जाएगा। हालांकि कवि के कंधे पर धूल की के बौछार ने कवि का मन बदल दिया। कवि महसूस करता है कि उसका दिन पूरी तरह से बेकार नहीं गया था। कम से कम दिन का कुछ हिस्सा सुखद था। कवि इस दिन के अपने अनुभव को हमेशा अपने यादों में रखना चाहता था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता डस्ट ऑफ स्नो प्रकृति और छोटी चीज़ों की अकल्पनीय उपचार शक्ति पर प्रकाश डालती है। खराब मूड से लेकर अस्वस्थता तक ऐसा कुछ भी नहीं जिसे प्रकृति द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये कविता जो है डस्ट ऑफ स्नो समाप्त होती है। धन्यवाद।